भिलाई के नेहरू नगर में स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों एवं पालकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के तौर पर भिलाई महापौर नीरज पाल विशेष रूप से यहां पर शामिल रहे। 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव की जानकारी विद्यालय के वाइस चेयरमैन ने मीडिया को दी। नेहरू नगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बेहद भव्य इस आयोजन में हजारों की संख्या में पालक एवं छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 1200 छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। कार्यक्रम में पहले दिन भिलाई में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई के मेयर नीरज पाल मौजूद रहे। वही रविवार को दूसरे दिन भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। हम बता दें कि कोरोना काल के बाद हो रहे इस भव्य आयोजन को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये कार्यक्रम पिछले 28 सालों से हमारा इंद्रधनुष करके सेलिब्रेशन, एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, और यूँ कह सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह एक जो सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, एक और एक त्यौहार की तरह से हम लोग मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि अगर किसी स्कूल का स्ट्रेंथ 1200 है तो आज के सिर्फ प्रोग्राम में 1265 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नर्सरी से लेकर के क्लास 5th तक। अगर कल का लेंगे 1200 तो ये करीब 2500 स्टूडेंट्स हमारे स्टेज पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों का जो रिजल्ट है, हम लोगों का जो और मतलब अचीवमेंट्स है, यह छत्तीसगढ़ लेवल पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने के ख्याति प्राप्त किया है। इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन रविवार को होगा। रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में जिले के SP मौजूद रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।